हेलो स्टूडेंट, मॉस की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कैंटिलीवर धरन के लिए कर्तन बल तथा नमन गुण आरे, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम। कैसे हम कैंटिलीवर बीम से कर्तन बल और नमन आघूर्ण खींच सकते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 मीटर विस्तार के कैंटिलीवर के स्वतंत्र सिरे पर 1 किलोन्यूटन का एक संकेंद्रित भार लगता है। कैंटिलीवर के लिए कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण आरे खींचिए। तो आइए हम देखते हैं क्या होगा। कैंटिलीवर बीम कुछ इस तरह हमारा होता है और इस पे 1 किलोन्यूटन का भार लग रहा है और ये 5 मीटर हमारा लंबा है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो कैंटिलीवर बीम का मतलब कि एक तरफ ये दीवार में फिक्स रहता है, एक तरफ फ्री रहता है। जैसे दीवार में लगी हुई कील क्या रहती है, एक तरफ दीवार में धसी हुई रहती है और एक तरफ फ्री रहता है। उस पर हम लोग कुछ भी लटकाते हैं कील पे, तो इधर क्या लगता है, उसके फ्री जिधर वो खुला सिरा रहता है उधर लोड लगता है, तो उसका रिएक्शन डायरेक्ट इस दीवार पे लगता है। जितना लोड लगेगा दूसरे तरफ उतना ही रिएक्शन, उतना ही जैसे 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है इधर, तो 10 किलो न्यूटन का रिएक्शन ऊपर की तरफ दीवार पे लगेगा। तो ये हमारा कैंटिलीवर बीम है। आइए सबसे पहले इसमें हमें प्रतिक्रिया निकालने की जरूरत नहीं होती, मीन्स रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इधर 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो इधर भी ऊपर की तरफ 1 किलो न्यूटन का प्रतिक्रिया लगेगा, मीन्स ए पे उतना ही लगेगा। तो क्या करेंगे, आर ए भी क्या हो जाएगा, 1 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो शियर फोर्स डायग्राम, कर्तन बल आर ए, कर्तन बल आर ए, तो क्या करेंगे, एस एफ डी शियर फोर्स डायग्राम। आइए देखते हैं। तो बिंदु बी से स्टार्ट करेंगे, हमेशा पीछे से चलते हैं। तो बी पर कर्तन बल, बी पर कर्तन बल एफ बी क्या होगा, ऊपर से लग रहा है -1, तो -1 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब डायरेक्ट आते हैं ए पे। तो ए पर कर्तन बल एफ ए, चूंकि बी और ए के बीच में कोई भी बल कार्य न करने से इसका मान स्थिर रहता है, मीन्स कॉन्स्टेंट रहता है। तो जो बी पे लगेगा वो ए पे भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, एफ ए पे भी क्या होगा, -1 किलो न्यूटन। ये हमारा कर्तन बल आरेख हो गया। अब आइए हम लोग नमन घूर्ण आरेख देखते हैं। इसको बोलते हैं बी एम डी। इसको पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एस एफ डी को, कर्तन बल आरेख। तो सबसे पहले हम लोग लाइन खींच लेंगे यहाँ। तो बिंदु बी पे क्या है, -1, जैसा कि पता है हम लोग को कि लाइन के नीचे -1, लाइन के ऊपर प्लस में रहेगा, -1। फिर बिंदु ए पे भी माइनस है, तो सीधे हम लोग ऐसे दिखा देंगे, -1 और -1, ये बी है और ये ए है, ये क्या है, माइनस में है, माइनस
ये हमारा कर्तन बल आरेख हो गया। अब आइए नमन घूर्ण आरेख खींचते हैं। तो B पर नमन घूर्ण क्या होगा, M B से डिनोट करते हैं, M B से तो -1 और यहीं से हम लोग नमन ले रहे हैं B से, तो -1 गुणे B से B तक की दूरी 0 होगी, उसी पे है तो 0 बराबर 0 किलो न्यूटन मीटर। B पे हमारा क्या होगा, 0 होगा, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कर रहे थे। अब आते हैं A पर नमन घूर्ण M A A पे, तो B से ही चलते हैं, B से A तक, तो कितना लोड लग रहा है, -1 और दूरी कितनी है, मोमेंट क्या निकालते हैं, F इनटू D, बल गुणे उसकी दूरी जहां से मोमेंट लेते हैं, तो 5 मीटर है, क्या हो जाएगा -5 किलो न्यूटन मीटर। अब आइए ये भी हमारा हो गया, आइए हम लोग खींचते हैं। अब ये हुआ S F D और ये हुआ B M D, दोनों क्या है, ये 0 है, ये माइनस में, तो B पे क्या है, 0 है, तो 0 इसी पे रहेंगे, और इस पे क्या है, A पर नमन घूर्ण, तो A पे है, तो हम लोग BMD में क्या करते हैं, इंक्लाइन खींचते हैं नत रेखा, तो ये हमारा -5 हो गया A पे और ये B, ये भी क्या है, माइनस में ही है, तो ये हमारा इस तरह से, ये हमारा इस तरह से BMD भी ड्रॉ कर लिया। ये काफी सिंपल होता है, इसमें हमें रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं होती है, जितने लोड इधर लगेंगे उतना ही रिएक्शन A पे लगता है, मीन्स जितने लोड लगेंगे A के बराबर होता है, इसलिए ये बहुत ही सिंपल होता है, सरल होता है। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, जो भी कमियां हो, जो भी दिक्कत हो, आप कमेंट के थ्रू हमें प्रॉपर बता सकते हैं, हम आपकी कमियों को दूर करेंगे। थैंक यू।